बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शनिवार शाम 3:35 पर विधि विधान से शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं। इस अवसर पर 5,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। कई स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को भंडारे आयोजित किए गए थे। आज प्रातः 3 अभिषेक शुरू होते ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। राजभोग के पश्चात भी दर्शन होते रहे। दिन के भोग के पश्चात श्याम कालीन आरती भी संपन्न हो गई। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई। रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने स्त्री भेष धारण कर मां लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया। इससे पहले भगवान के सखा श्री उद्धव जी तथा देवताओं के खंजाची श्री कुबेर जी सभा मंडप में आ गए थे। तत्पश्चात जनपत्री का वाचन कर भगवान बद्री विशाल को महिला मंडल माला द्वारा बुनकर तैयार किया गया। इसके साथ ही 19 नवंबर शाम को श्री कुबेर जी बद्रीनाथ धाम के निकट बामड़ी गांव रात्रि प्रवास हेतु प्रस्थान हो गए। कल 20 नवंबर श्री कुबेर जी बामड़ी गांव से पांडुकेश्वर हेतु प्रस्थान करेंगे। इससे पूर्व 15 नवंबर से पहले भगवान बद्री विशाल की पंच पूजाएं शुरू हो गई थी। पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन 15 नवंबर को श्री गणेश जी के कपाट बंद हो गए थे। 16 नवंबर को आदि केदारेश्वर जी के कपाट बंद हुए। 17 को कड़क पूजा तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हुआ। 18 को लक्ष्मी माता का पूजन एवं कड़ाई भोग लगाया गया। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो गए। इस बार जो है चार धाम यात्रा है, इसमें श्री बद्रीनाथ धाम में 17,60,000 से अधिक यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये पिछले वर्षों की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। और इसके साथ ही जो है मंदिर समिति ने इसके सफल संचालन में इतने तीर्थयात्रियों के सुगम दर्शन में व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग रहा है मंदिर समिति को, और इससे जो है श्रद्धालुओं में और भी आस्था और सुविधाओं के संबंध में जो है यात्रा करने के लिए जो है आगामी वर्षों के लिए भी जो है वो आएंगे। इससे जो है एक अच्छा संदेश